सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है गाइस, क्योंकि आज के वाली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, हमारी जो गेमिंग कम्युनिटी है, इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है गाइस, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो गाइस बेसिकली ये पूरी चीज़ होने वाली है हमारा जो स्काउट है, स्काउट पबजी मोबाइल में, आप जैसे कि उसको वो वेल नोन है गाइस, अब तो पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग सब मतलब मान लो सभी जानते हैं गाइस उसे, क्योंकि गाइस वही एक प्लेयर है जो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा पुश करा है गाइस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को, और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया इंडिया को बहुत सारी जगहों पर। तो गाइस यही इसके लिए, तो गाइस कुछ मतलब मैं आपको बताऊँगा वीडियो में कि क्या क्या कैसी बातें हैं। तो गाइस चले गाइस यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सिंपली बात ये है कि गाइस जो अभी मैंने अपने एक बीच में भी एक पोस्ट मतलब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने आपको बताया था कि पबजी जेनी और कुछ जो स्काउट है इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको मैंने कवर किया था, और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सारी कहानी मतलब जो भी था सब बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो कुछ उसे देख लीजिए, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा कि गाइस क्या हुआ था जिसकी वजह से गाइस स्काउट को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई है। जी हाँ गाइस, हमारा जो स्काउट है उसको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता है 3 महीने के लिए। तो गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है गाइस, और हमें ही उसे सपोर्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि गाइस ऐसा है कि गाइस वो इतना मतलब भाई बंदे ने इतनी मेहनत करी है गाइस, और एक ही बार में अगर किसी कोई इसकी मेहनत पे ऐसे बिल्कुल पानी फेर दे तो गाइस कैसा लगेगा उसने। बस देखो गाइस के सिंपली बात मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या हुआ था कि गाइस जो पबजी जेनी उसने मतलब है ना अपने उस पर स्काउट के अंदर आई थी और लाइव स्ट्रीम पर, और उसे मतलब बोल दिया नो वो, तो अब स्काउट ने उस पर एक डिफरेंटली एक वीडियो बनाई, मतलब उसने लाइव स्ट्रीम पर पहले ही बोल दिया स्काउट ने उसे कुछ कुछ गाली वाली दे दी थी है ना। तो इसके बाद है ना उस पबजी जेनी ने अपने जो अकाउंट है उसमें सेपरेटली एक वीडियो बनाई, उसने फिर सेपरेटली वीडियो बनाई, फिर स्काउट ने उसकी वीडियो देख के अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हुए उसकी वीडियो चलाई, और जो उसके ऊपर मतलब वो व्यूज़ दिए कि उसने बोला गाली वाली दी थी बहुत सारी है ना। फिर क्या हुआ कि पबजी जेनी ने एक वीडियो डाली, उसमें उसने बताया कि गाइस जो मेरी ये जो वीडियो स्काउट ने डाली है उससे उसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और गाइस उससे मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी और मतलब उसको पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट हो रहे थे, ये सीधी सीधी बात है। तो इसके ऊपर फिर स्काउट ने मतलब कल अपने एक वीडियो डाली थी, उसने वो लाइव वो बताते हुए कि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है, तो उसको बताते हुए उसने बोला कि ये सब ख़त्म हो गया था कि मतलब देखो पबजी जेनी ने गाली दी, स्काउट ने गाली दी, इधर पर मैटर क्लोज हुआ। फिर आता है हमारा जो पबजी जेनी ने एक जून को स्काउट गोल वो मार दी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइस इससे दो स्काउट की गाइस लाइव स्ट्रीम बंद हो गई, और फिर उसके बाद स्काउट ने फिर वीडियो डाली, मतलब वो लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं सकता इसलिए उसने वीडियो डाली, तो उसने ये सब बताया। अगर आपको वीडियो देखनी है तो गाइस देख लीजिएगा उनके चैनल पर जाके, और गाइस उनने फिर उसके बाद बताया कि मैं अपना एक सेकंड चैनल बना रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद सेकंड चैनल बना लिया उनने अपना स्काउट लाइव करके एक चैनल है गाइस, उस पर जाके अगर आपको मतलब सब्सक्राइब करना है गाइस तो जाइए गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइस, बहुत ही सही। अगर हम उस चैनल जो अपने उसको दूसरा चैनल है उस पर अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो गाइस उससे क्या होगा कि जो जितनी भी उसकी मतलब वॉचिंग आती थी और मतलब जो उसके फैंस थे वो वापस आ जाएंगे, और जो उसके सब्सक्राइब भले ही 3 महीने की बात है फिर उसके बाद तो वो हो जाएगा वो। और एक और बात गाइस कि जो उसने अभी सेकंड चैनल उसको पहले से ही है उसको पहले उसको व्लॉगिंग के लिए उसने रखा था, जिससे मतलब कहीं वही जाता है ना PMC हो ये सब, तो उधर पर वो व्लॉगिंग करते हुए अपने फैंस को दिखा सकते उसके लिए बनाया था। लेकिन गाइस ऐसा हुआ कि लाइव उसकी वो व्लॉग तो कर नहीं पाया, लेकिन उसके लिए जो फर्स्ट चैनल था मेन चैनल पे तो गाइस स्ट्राइक पड़ गई, इसलिए उसने सेकंड चैनल को अपना लाइव स्ट्रीम चैनल बना लिया। तो गाइस ये तो गाइस मेरे को साफ साफ गलत लग रहा है गाइस कि यार ऐसे मतलब बिना बात के भाई मतलब बात भी नहीं करी उसने, उसको ईमेल किया भाई ऐसा बोलना था उसको स्काउट को जब उसने वीडियो डाली स्काउट ने कि स्काउट मेरी पबजी जो मेरी लाइफ है मेरी लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है। तो गाइस फिर क्या होता है कि स्काउट और फिर सोचता कि हाँ पर्सनल लाइफ इफेक्ट कर रहा है तो वैसे डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि स्काउट ने ऐसा बोल दिया था उस अपनी वीडियो में कि अगर उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट कर रहा था तो उसको मेरे को बताना चाहिए था, तो मैं उसे डिलीट कर देता बेगर, और स्काउट को कोई दिक्कत भी नहीं थी, स्काउट ने बस एक बार उसे कवर किया क्योंकि उसने नो बोला, बस ये सब हुआ। फिर उसके बाद और भी हुआ, फिर स्काउट ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये डाला गॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक कैन नॉट लाइव स्ट्रीम फॉर 3 मंथ्स एट द एंड
अप टू यू गाइज व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग बाय। तो गाइज ये फिर अपने स्काउट ने पोस्ट किया अपने कम्युनिटी स्ट्राइक, और इसने ये सही बोला कि गाइज अब ये तुम्हारे ऊपर है कि गाइज जो भी सही है वो करो, जो गलत वो करो। और गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहा है कहीं भी से भाई, अगर तुम पबजी जेनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके उससे बोलो कि अगर तुम बात कर सकते हो, अगर तुम उससे जानते हो तो गाइज जाके प्लीज़ बात करो यार। और गाइज पूरा सपोर्ट दो यार स्काउट को। गाइज वही है गाइज जिसने IND को फाउंड किया है, गाइज वही फाउंडर हमारा IND क्लैन का, और जो गाइज अभी भी PMSEO में जा चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। गाइज सोचिए गाइज इतना अच्छा वर्ल्ड कप में पबजी के सिलेक्ट हो चुकी है गाइज, तो गाइज इतनी बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। और अभी वो PMCO भी खेलेगी गाइज, कहे वो जीत भी जाए, और मेरी तो पूरी दुआ है कि गाइज जीते हमारी IND क्लैन। तो गाइज यार अब तो ये तुम्हारे ऊपर भी है गाइज कि तुम्हें किसको सपोर्ट करना है यार। गाइज हो सके जल्दी जल्दी सपोर्ट करो यार, बहुत ही ज़रूरी है गाइज स्काउट को सपोर्ट करना। और भाई तो गाइज नीचे मैं चैनल का जो लिंक है लाइव स्काउट लाइव, उसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बस गाइज यार आज की वीडियो में इतना ही था यार। पता है गाइज आज की वीडियो थोड़ी सैड टाइप की थी और मेरा मूड भी ऑफ था गाइज, मैंने ये न्यूज़ ने मेरे को बहुत बेकार लगा गाइज यार। वैसे भी बेचारे बंदे के साथ गलत हुआ है यार, है ना, हर चीज़ से गलत हुआ है। तो ठीक है यार, यही थी आज की हमारी वीडियो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बहुत सारे मज़े के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, प्ले पबजी।